नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र सिंह कुशवाहा। अभी एमबीपीएससी प्री का पेपर हुआ था तो लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, बताइए कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने कुछ कोचिंग्स का एवरेज निकाला है और जो कोचिंग्स वाले क्या कह रहे हैं, एक अदर कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं, तो ऑनलाइन एवरेज जो निकला है दो टाइप के निकला है, एक वन और एक टू, है ना। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, डिस्क्लेमर है, आप इसको ही सच ना माने जब तक पीएससी खुद ना बोल दे। कोई कोचिंग की बातें या मेरी बातें सच नहीं जब तक पीएससी खुद ना बोले। तो अपन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मान के चले, दो कोचिंग के लिए है, मैंने नाम नहीं बता सकता मैं, ठीक है। तो जनरल का जो कट ऑफ है मेल में आएगा 77 to 79 और एक दूसरी कोचिंग बोल रहे हैं कि 82 आएगा ऑन एवरेज, ठीक है। फिर मेल में ही ओबीसी का जाएगा 75 से लेके 77 और दूसरा कह रहा है कि 79 जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। मैं तो ये कहूंगा कि आप कट ऑफ देख लो, लेकिन इसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। अगर आपके 70 प्लस हैं, मेल हो तो कैटेगरी नहीं है, तो 70 प्लस में भी आप तैयारी कर सकते हो, है ना। और अगर आप एससी एसटी यूडब्ल्यू ऐसा तो 62 प्लस है आपके, तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत तैयारी में, इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए, ठीक है, अगर आपके ये थोड़ा प्लस है। और मैं अब आगे बढ़ता था हूं कि इसमें एससी कैटेगरी करा गया था तो 72 74 और सेकंड बांध रहा है कि 75 होने चाहिए मिनिमम, और एसटी में 65 to 67 है और एक नया जो डेटा मिल रहा है वो है 69 का मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस में 75 to 77 और ये 78 और पीएच अंदर फिजिकली हैंडीकेप्ड है कोई व्यक्ति तो मिनिमम 60 से भी काम चल जाएगा, है ना। तो अब फीमेल की बात करते हैं, अगर जनरल कैटेगरी में फीमेल है तो 75 से लेकर 77 और एक थोड़ा ये 78 कर रहा है ना, थोड़ा सा बढ़ा के मिल रहा है मुझे, तो आप इन दोनों के बीच में है तो आप सेफ है। और इसलिए ज्यादा ध्यान मत लगाओ, ये तो मैं आप लोगों की बार बार कमेंट्स आ रहे थे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आप तो तैयारी शुरू कर दो, बढ़िया पढ़ाई करो, उस पर ध्यान लगाओ। कट ऑफ तो एमबीपीएससी का काम है, आपने एग्जाम दे दिया ना, आपका काम नहीं कट ऑफ निकालना, वो पीएससी का काम है, वो बताएगा आपको, ठीक है। तो आप तो इस पर ध्यान दो। और दूसरा बोला है कि 76 के समथिंग आ रहा है और एससी में 70 to 72 और सेकंड में 75 और एसटी कैटेगरी में अगर फीमेल है तो 60 to 62 और सेकंड 65 बता रहा है कि अगर 65 तक है तो आप सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल में देखें अपन तो 75 to 76 है और 79 है। तो इस तरीके से कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, जब तक पीएससी नहीं बोली तब तक अपन को कुछ नहीं मानना है। तो ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य था कि आप लगातार कमेंट कर रहे हैं तो आपकी क्वेरीज तो रिजोल्व हो जाएं। मैं तो ये कहूंगा कि ये सारा जो कट ऑफ है, सारी कोचिंग्स जो बता रही हैं, इसको साइड में रख के आपको अभी से मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए और एक भी दिन पार्टी शार्टी मूवीज वेब सीरीज पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जिसको भी तैयारी करना है वो प्री से उसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, प्री तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके बाद जो मेंस में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे तब आप बेटर बन पाएंगे। तो आपको अपनी पूरी मेहनत मेंस को अच्छा करने में लगा देना चाहिए और अब यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये तो मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं कि यही आएगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशन है कि इसके बीच में रहना चाहिए। तो आप जाओ और अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके क्या क्या क्वेश्चन है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताओ। नमस्कार।